और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई सिंगल वोवल हो, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई सिंगल वोवल हो तो क्या करेंगे आप, उसमें आईएनजी जोड़ते समय इस अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। ओके, तीसरा सेंटेंस, तीसरा नियम देखना आप। जैसे मैंने कहा वीप, डब्ल्यू डबल ई पी वीप प्लस आईएनजी, आपने इसमें आईएनजी जोड़ा तो आपने क्या देखा, इसके अंत में पी आ रहा है कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, यह है कॉन्सोनेंट, और इसके ठीक पहले डबल ई आ रहे हैं, यानी डबल डबल वोवल का प्रयोग हो रहा है। बात समझ रहे होंगे आप, अगर किसी वर्ब के अंत में कोई सिंगल कॉन्सोनेंट हो तथा उसके ठीक पहले डबल वोवल का प्रयोग एक साथ हो रहा है तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता, उसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता। तो यह देखने वाली बात है। इसके अलावा जैसे आपको बताया एक शब्द है ए वाई प्ले, वाई आ रहा है, जब आप इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वाई को आपको कायदे से डबल करना चाहिए था, परंतु वाई को आप डबल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स कभी डबल नहीं होता, एम आई एक्स मिक्स यानी मिलाना होता, जब उसका उसको आप आईएनजी जोड़ेंगे तो मिक्सिंग में एक्स डबल होगा ही नहीं होता डबल, वाई कभी डबल नहीं होता, पी एल ए वाई एक क्रिया एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो यानी बहना, और जब आप उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें जो W है वो डबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई को डबल नहीं करते, डब्ल्यू एक्स वाई जो है किसी भी सूरत में डबल नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मोटी मोटी बात जानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसके अंत में हिंदी में रहा है, रही है, रहा हूं, रही